नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ दलिया का पुलाव, और मैंने दलिया के पुलाव में डाली है सोया बड़ी, आलू, टमाटर, जिससे ये दलिया का पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो ये दलिया पुलाव है जल्दी से बन भी जाता है, खाने में टेस्टी तो लगता ही है। आप इसके साथ में दही खा सकते हो, रायता तो बहुत अच्छा लगता ही है। और इसके साथ में किसी सब्जी दाल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने आप में ही एक कम्प्लीट मील है, वन पॉट मील है इसे बोल सकते हैं, वो भी हेल्थी, क्योंकि ये गेहूं के दलिया है तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। मैंने इसमें सिर्फ आलू डाला है, तो आप उसमें और मिक्स वेज भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये दलिया पुलाव बनाया है। तो ये देखिए, दलिया सोया बड़ी आलू पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कप दलिया लिया हुआ है, और दलिया को मैंने अच्छी तरह से भून के रखा हुआ है। जब भी आप घर में दलिया लाए, अच्छी तरह रोस्ट करके रखें, तो इसमें कीड़ा भी नहीं पड़ता और ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है। तो ये भुना हुआ दलिया है, मैंने एक कप लिया हुआ है, और एक कप ही मैंने सोया बड़ी को लगभग 15 से 20 मिनट भिगो के रख दिया था पानी में, और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था। पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर नमक डाल के रखा, जिससे नमक का टेस्ट भी आ जाता है। और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया फूल गई है सोया बड़ी। और लगभग 3 टमाटर लिए हुए हैं, बारीक कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसे मैंने थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में ही कट किया है। 2 बड़े प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है, चाहे तो आप देसी घी में भी तड़का लगा सकते हो। राई और जीरा लिया हुआ है आधा आधा चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर है, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, और यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और 1 चम्मच नमक लिया हुआ है, ये सेंधा नमक है। जब भी नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं दलिया पुलाव बनाना। दलिया का पुलाव मैं कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने कुकर रख दिया था, तेल भी डाल दिया था, तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी राई और जीरा। राई और जीरा बढ़िया क्रैकल हो रहे हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। फुल फ्लेम पे ही मैं प्याज को 1 मिनट भून लूंगी, फिर इसमें आलू भी डाल दूंगी। तो ये देखिए, प्याज को मैंने 1 मिनट भून लिया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। और आलू और प्याज को 2 से 3 मिनट भून लेंगे मीडियम आंच पर, हल्का सा कलर चेंज हो जाए आलू और प्याज का, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, प्याज और आलू को भी मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है मीडियम आंच पे। आप देख सकते हो प्याज और आलू का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, धनिया पाउडर, साथ ही अब मैं मिर्च और हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी, और अदरक भी डाल दूंगी, और 2 मिनट इसे भी भून लूंगी मीडियम आंच पर। ये जब तक थोड़ा सा मसालों का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए, तब तक हम भून लेंगे। और गैस की आंच लो से मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने मसाले डाले थे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बढ़िया भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, साथ ही नमक और अब मैं डाल दूंगी उसमें, ये देखिए, सोया बड़ी जो मैंने अच्छी तरह से फुला के रख ली थी पानी में, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये दलिया का पुलाव। नॉर्मली हम चावल का तो खाते ही हैं, पर दलिया खाना भी हेल्दी होता है, और इसमें मैंने सोया बड़ी डाले, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से टमाटर, मसाले, सब कुछ मिक्स कर दिए है मैंने। तो अब मैं इसमें दलिया भी डालूंगी, और ये भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी मसाले के साथ में, और गैस की आंच बढ़ा दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स भी जाएंगे सारी चीज़ें, अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगी, हलो हल्का सा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट इसी तरह से मैं भूनूंगी। तो ये देखिए, दलिया भी डाल दिया है मैंने, अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे और भून भी लेंगे 2 मिनट। और गैस की आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में बढ़िया 2 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो टमाटर भी हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर, ये देखिए,
और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और अब पानी भी डाल दूंगी इसमें। तो जैसे कि मैंने एक कप दलिया लिया हुआ है, तो जिसको खिला खिला दलिया अच्छा लगता है, जैसे चावल खिले खिले होते हैं, तो आप वैसे ही चावल की तरह नाप रखें, एक का दो हिसाब के पानी आप डाल सकते हैं उसमें। और जिसको थोड़ा सा सॉफ्ट खाना, हल्का सा, जैसे खिचड़ी भी हम थोड़ी सी बनाते हैं मूंग की दाल की पतली, तो आप 3 कटोरी तक पानी इसमें डाल सकते हो। और वैसे अगर कोई चीज़ हम भून के बनाते हैं, जैसे भुना हुआ दलिया तो फूलता अच्छा, तो आप 2 से 2.5 कटोरी भी पानी डाल सकते हो। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी और गैस की आंच बढ़ा देंगे, उबाल आने देंगे, फिर इसका ढक्कन लगाएंगे कुकर का। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अब मैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, गरम मसाला मैंने इसमें डाला है। तो ये देखिए दलिया के पुलाव में बढ़िया उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम दलिया का पुलाव बना रहे हैं या चावल का, तो हम डायरेक्ट जैसे पानी डाला, मिक्स करा और ढक्कन लगा दिया, तो फिर क्या होता है वहीं पर तली पर जलता है, कभी कभी मैंने देखा ऐसे। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे उबाल आता है फिर मिक्स कर देती हूँ, देख लेती हूँ कि नीचे चिपक तो नहीं रहा, क्योंकि फ्लेम वहीं पर शुरुआत में पड़ती है तो वहीं से चिपकना शुरू हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट कुकर में पुलाव बनाते हैं तो कभी कभी जलता है, तो इस तरह से करने में जलता नहीं है। तो बस अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और मीडियम आंच पे मैं 2 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद लगभग 4 मिनट धीमी आंच पे पकाऊंगी पुलाव को। दलिया को मैंने 2 सीटी लगा के उसके बाद मैं धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट पका लिया था। तो अब इसकी स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है, तो अब मैं ढक्कन खोल देती हूँ कुकर का। ये देखिए कितना बढ़िया दलिया बना है, ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखिए। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया दलिया बना है और मैंने 1 कप दलिया में लगभग 2 से 2.5 कप पानी डाला था, ये देखिए। तो बहुत ही बढ़िया दलिया बना है, ना ज़्यादा सूखा है और ना ही ज़्यादा पतला है, क्योंकि ये अभी गर्म है तो इस तरह से लग रहा है आपको कि सॉफ्ट है, लेकिन ये जैसे ठंडा हो जाता है तो एकदम खिला खिला सा हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया दलिया बन चुका है, तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली। तो ये देखिए गर्मा गर्म दलिया पुलाव बन के तैयार है खाने के लिए, और मैंने इसे बूंदी के रायते के साथ में सर्व किया है। आप इसे नॉर्मल दही के साथ भी खा सकते हो, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि दलिया का पुलाव आपको कैसा लगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।